वेलकम टू मम्स कुजीन। आई एम सपना जैन, हेल्दी कुकिंग एक्सपर्ट, ब्रिंग्स यू हेल्दी रेसिपीज इन द मोस्ट डिलीशियस वे। फ्रेंड्स, आज हमारा गणपति आने वाला है और इस अवसर पे सभी लोग घर पर मोदक जरूरी बनाते हैं, तो इसीलिए आज मैं लाई हूँ मोदक की रेसिपी। फ्रेंड्स, घर पे मोदक सब बनाते हैं और मोदक फिर वो सब लोग आराम से खाते भी हैं, तो कभी कभी डेली मोदक क्योंकि खाए जाते हैं तो स्वीट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि जो लोग वेट लॉस पे हैं वो खाना तो पड़ता है, खाए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें लगता है कि हमने मतलब गिल्ट फील करते हैं। तो इसीलिए हम आज बनाएंगे थोड़ा हेल्दी मोदक, जो कि आप वेट लॉस में भी खा सकते हो और आपको वैसे भी बेनिफिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये मोदक अपने चीनी से नहीं बनाऊंगी, गुड़ से बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि चीनी के कंपैरिजन में गुड़ जो है बहुत बेनिफिशियल है, इससे वेट गेन नहीं होता और इसके बहुत सारे अपने फायदे हैं। आयरन कैल्शियम बहुत सारा होता है इसमें और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो हम अपने आज हेल्दी मोदक बनाएंगे गुड़ के साथ। दूसरा फ्रेंड्स, हम इसमें यूज करेंगे कोकोनट पाउडर, जो कि हमने लिया है 1 कप जैगरी पाउडर, आप इसकी जगह नॉर्मल जैगरी भी ले सकते हो। फिर हमने लिया है 1/2 कप कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, 1/3 कप हमने अच्छे से लिए हैं चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने लिया है काजू, वॉलनट्स, बादाम और ये पिस्ता, इन सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, आप कोई और भी अपने पसंद के ये ले सकते हो। फ्रेंड्स, एक और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स में जो इसमें यूज करने वाली हूँ ये है फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स यानी अलसी, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि सीड्स और ड्राई फ्रूट्स, ये नट्स हेल्दी लाइफ के लिए और वेट लॉस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लैक्सीड्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है और ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये हमारे इन मोदक को और भी हेल्दी बना देंगे और जिससे कि हम इन्हें खा भी पाएंगे और इसका हेल्थ बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो ये मैंने फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड कर लिया है और 2 टीस्पून हम इसमें फ्लैक्स सीड्स मिलाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसको सिर्फ हम हेल्दी टेस्ट देने के लिए डाल रहे हैं। यदि आपके पास नहीं है और आप नहीं लाइक करते हो तो इससे इसके टेस्ट या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारे मोदक वैसे ही बनेंगे, पर इसको आप और हेल्दी बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें यूज करो। और इसके अलावा हमने 1/4 कप ली है छोटी इलायची, पीसी हुई इलायची, और थोड़ा सा हमें लगेगा देसी घी, 3/4 स्पून ओनली। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज हम बनाना शुरू करते हैं अपने हेल्दी मोदक। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं मोदक बनाना। इसके लिए हमने पैन लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच हम पहले थोड़ा देसी घी डाल लेंगे और अपना ये जैगरी पाउडर डाल के इसको मेल्ट कर लेंगे। इसको हमें सिर्फ मेल्ट करना है, बहुत ज्यादा इसको हमें कुक नहीं करना है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, अदरवाइज ये इसमें चिपक जाता है, तो इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, बस इस स्टेज पे हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसमें अपना 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और अपना 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर, इसको मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ा इसको ठंडा होने देने होगा, उसके बाद ही हम इसके मोदक बनाएंगे। बहुत गर्म में हम इसको नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
फ्रेंड्स से कि ये हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको बहुत ज्यादा अभी आपको देर नहीं छोड़ना है, अदरवाइज ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और मोदक बनाने में दिक्कत होगी। बस ये थोड़ा छूने लायक हो जाए आराम से, आपको आप टच करो, इतना ही इसको ठंडा होने देना है। देन हम इसमें 2 टीस्पून अपना थोड़ा सा देसी घी मिलाएंगे, इससे ये थोड़े अच्छे हेल्दी भी हो जाएंगे और इनको बांधने में भी आसानी रहेगी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अपने इस मोदक मोल्ड में बनाएंगे इनको। मोदक का मोल्ड आपको इजीली मिल जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसमें प्लास्टिक के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं, और छोटे बड़े सभी साइज में आते हैं। मेरा मोल्ड ये थोड़ा बड़ा है, आप छोटा भी ले सकते हो। तो हमें इसको इस टाइप से ही खुलते हैं, इसको ऐसे बंद करके हमें इसमें अच्छे से अपना इस मिक्सचर को भर देना है। इसको ऊपर से हम ऐसे करके इसमें भरेंगे। अच्छे से प्रेस करके हम इसमें भरेंगे। लाइक दिस। और हम इसको ओपन कर देंगे। ये देखिए, इतना बढ़िया मोदक बन गया है। अच्छे से प्रेस करना है। और ऐसे खोल देना है लाइक दिस। देखिए कितने सुंदर। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने सारे मोदक बना लिए हैं, लगभग 6 मोदक इसमें बन गए हैं जितना हमने मटेरियल लिया था। क्योंकि ये मोदक भी थोड़े बड़े साइज के हैं, आप छोटे बनाओगे तो ज्यादा भी बन जाएंगे, और ज्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप मेजरमेंट को डबल कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, झटपट बनने वाले 2 मिनट में हेल्दी मोदक हमारे फटाफट बन गए हैं। अब आप इनको गिल्ट फ्री खा सकते हो, और इसमें अच्छे ड्राई फ्रूट्स वाले मोदक हमारे रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, गणपति आ रहा है और इस बार आप बनाइए ये हेल्दी मोदक। और भी 2-3 तरह के मोदक की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाली हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप विदाउट बिना सांची के भी मोदक कैसे बना सकते हैं, और इंस्टेंट मावा और एक दो रेसिपीज हम मोदक की आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड लव यू ऑल।